नमस्ते प्रेमलता जी, और अटैची बैग लेकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बेटा बहू के पास जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। इस बार तो आपकी होली विदेश में होगी, कब तक लौटने का इरादा है? 2 महीने तो लग ही जाएंगे। अब बेटे की शादी के बाद हम बहू के साथ पहली बार कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं। पोती भी 5 बरस की हो गई है, वो भी बार बार फोन करती है, दादा दादी आ जाओ। चलो बढ़िया है, होली मनाकर खुशी खुशी लौटो, फिर मिलते हैं। प्रेमलता और रघुवीर का बेटा आनंद विदेश में नौकरी करता था। उसने देसी मूल की विदेशी लड़की से वहीं लव मैरिज कर ली थी। इस बार प्रेमलता और रघुवीर होली पर अपने बेटा बहू के पास विदेश जा रहे थे। उनके बेटे का प्रमोशन हुआ था, इसलिए उनकी बहू अंजलि ने इस बार होली की एक बड़ी पार्टी का आयोजन रखा था। आनंद, तुम क्या करोगे एयरपोर्ट जाकर? माँ जी पापा जी कैब से आ जाएंगे, फिजूल में इतनी दूर लेने जाओगे? तुम्हें होली पार्टी के लिए और भी तो अरेंजमेंट्स देखने हैं। ठीक है, मैं पापा को फोन कर देता हूँ। हेलो पापा, आप लोग पहुँच गए हो तो एक काम करो, आप एयरपोर्ट से जब बाहर निकलोगे तो आपको सामने ही कैब नजर आ जाएगी। आप घर का एड्रेस दे देना, मैंने आपको फोन पर भेज दिया है, तो आराम से आ जाओगे। पहली बार प्रेमलता और रघुवीर विदेश आए थे, अब वो क्या ही बोलते, इसलिए वे दोनों अपने आप ही किसी तरह घर तक पहुँचते हैं। दादी जी, दादा जी, आपको पता है 2 दिन बाद होली है, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे। वैसे भी बहुत अच्छा है, इसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। दादी, ये सब क्या है? नैन्सी बेटा, ये होली पूजन का सामान है, और ये होली खेलने का गुलाल रंग, और तुम्हारे लिए ये पिचकारी लाई हो। दादी, मैंने तो ये सब आज तक नहीं देखा। मॉम डैड तो बस म्यूजिक लगाकर डांस करते हैं और टेस्टी टेस्टी फूड खाते हैं। दादी, होली पूजन क्या होता है? बेटा, होली पूजन रंग की होली से 1 दिन पहले होता है, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। होलिका दहन दादी, मतलब? बैठो, मैं तुम्हें आराम से समझाती हूँ। माँ जी, आप ये सब क्या उठा लाए हो? यहाँ विदेश में ये सब नहीं चलता। नैन्सी, ये रंग गुलाल का पैकेट वापस रखो, देखा सारे हाथ खराब कर लिए। माँ जी, ये हमारे यहाँ होली पर ये सब कोई नहीं खेलता, हम लोग स्टैंडर्ड की होली खेलते हैं। आप ये सब उठाकर अपनी अटैची में वापस रख दो। मॉम, मुझे पिचकारी से खेलना है। नो बेटा, 2 डेज बाद आपका स्कूल है, पानी में भीग कर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा जी, माँ जी को समझा दीजिए, हम विदेश में अपने हिसाब से होली मनाते हैं। अंजलि की बातें सुनकर प्रेमलता की आंखें भर आती हैं। प्रेमलता और रघुवीर भी क्या करते, उन्हें बहू के हिसाब से विदेशी होली मनानी थी, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। अंजलि अपने हिसाब से होली की तैयारियां कर रही थी। अंजलि, स्नैक्स और ड्रिंक्स का अरेंजमेंट गार्डन एरिया में रखवा दिया है। ठीक है, बाकी फ्लावर्स ठीक से लगवा लेना और चेयर्स टेबल देख लो, पीटर ने ठीक से लगवाई है ना? बहू, ये पूजन का सामान लाई थी। कौन सी पूजा माँ जी? होली की पूजा बहू, होलिका दहन। माँ जी, मैं विदेशी होली मना रही हूँ, मैं कोई पूजा के अरेंजमेंट्स नहीं रख रही हूँ। यहाँ पर खाना पीना होगा और सारे गेस्ट डांस वगैरह करेंगे। अंजलि वहां से चली जाती है। प्रेमलता होली पूजन का सामान वापस अटैची में रख देती है। मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। आनंद, पापा जी ने कुर्ता पजामा पहन लिया है, और माँ जी की साड़ी भी देखो कितने पुराने स्टाइल की है। अंजलि, माँ पापा शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। अब तुम सब कुछ छोड़कर उनका वेलकम करो। अंजलि और आनंद पार्टी में आए मेहमानों की खातिरदारी में लगे रहते हैं। तभी आनंद को उसके बॉस का कॉल आता है। हेलो आनंद, मैंने सुना है इंडिया से तुम्हारे मॉम डैड आए हैं, फिर तो आज तुम्हारे घर की होली बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से होगी। बस मैं कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा, और हाँ, तुम्हारी भाभी और बच्चे भी आ रहे हैं। बहुत सालों से हिंदुस्तान की होली नहीं देखी, तो आज तुम्हारे परिवार के साथ मिलकर हिंदुस्तानी तरीके से होली को मनाएंगे। और हाँ, माता जी को कहना कि वो ठंडाई जरूर बनाए, कितना अरसा हो गया होली पर ठंडाई और गुजिया समोसे दही भल्ले वगैरह खाए। अपने बॉस की बात सुनकर आनंद हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने तो कोई ऐसी तैयारी की ही नहीं थी। अंजलि भी परेशान हो जाती है। तभी आनंद के मम्मी पापा आ जाते हैं। आनंद बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी ठंडाई का इंतजाम कर देती हूँ, और बाकी गुजिया समोसे और मिठाइयाँ मैं साथ लेकर ही आई थी, भल्ले भी मैं बना दूंगी। सब कुछ तुम गार्डन एरिया में लगवा दो। सुनो जी, आप गुलाल और रंग भी थाल में सजा कर रख दो, बाकी होली का पूजन के लिए मैं बहू तुम्हें बता देती हूँ कि क्या क्या करना है, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। प्रेमलता अंदर जाती है और अपनी अटैची में रखा होली का सारा सामान ले आती है। अंजलि भी अपनी सास प्रेमलता की मदद कर रही थी। आनंद के बॉस भी अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुके थे।
पार्टी में आए सब लोग और आनंद के बॉस होली की तैयारियां देखकर बहुत खुश होते हैं। अंजलि बहुत शर्मिंदा थी। उसने अपने सास और ससुर के साथ किस तरह से व्यवहार किया था वो इसी बारे में सोच रही थी। आज उन्होंने होली की तैयारियां करके सब कुछ संभाल लिया था। तभी नैन्सी सबके बीच कहती है, दादी होली पूजन क्या होता है? नैन्सी बेटा, होलिका दहन के पीछे एक कहानी है। चलो आज मैं सबके बीच ये कहानी सुनाती हूँ। बिल्कुल माताजी, हमारे कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में आज हमारे बच्चे और यहाँ मौजूद सब मेहमान जानेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। प्रेमलता सबके बीच होलिका दहन की कथा सुनाती है। सब बहुत ही ध्यान से भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा को सुन रहे थे। उसके बाद सब प्रेमलता के लिए तालियां बजाते हैं। सब लोग होली पार्टी की बहुत तारीफ करते हैं। दादी फिर तो हम सब एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे ना? नैन्सी बेटा, पहले दादी जी से अपनी पिचकारी तो लो, तभी तो होली खेलोगी। अंजलि की बातें सुनकर प्रेमलता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। नैन्सी भी अपने रीति रिवाज को समझती है। सब मिलकर खूब होली खेलते हैं। आनंद के बॉस भी होली को एंजॉय करके अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी वापस लौटते हैं। कुछ दिन विदेश में रहकर प्रेमलता और रघुवीर खुशी खुशी इंडिया वापस लौट आते हैं।